हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का 8 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। आज का थोड़ा लेट हो रहा है बिकॉज बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो काम थोड़ा लेट ही होता है। बस वही, तो अभी आ गई हूँ किचन में, थोड़ा किचन वर्क करूँगी। लेकिन उससे पहले स्टार्ट कर दूँ, मैंने सोचा कि कल आपकी ब्लॉग नहीं आ पाए थे क्योंकि आजकल ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। रेगुलर ये वाइट हैंकी ब्लॉग वन डे गैप करके ही शेयर कर पाऊंगी, या वन डे या टू डे, या मे बी रेगुलर भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो होता ना कि बन जाए बिकॉज बहुत सारे और भी वर्क होते हैं, आप समझ सकते हो घर के। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने रोज की तरह फिर वही वाइट हैंकी लिया है और वाइट हैंकी को कवर करूंगी और उसके बाद वर्क भी लगूंगी और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे जैसे आपने देखा ना, ये खिड़की जो है ना, इससे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप काम करते करते ना खुद का फेस देखते रहो कि हम दिख कैसे रहे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे वर्क करती रहती हूँ और साथ में खुद को देखती रहती हूँ कि कहीं खाना बनाते बनाते कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि खुद का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। किचन में भी बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और किसी की कॉल आ गई, वीडियो कॉल, तो इसलिए थोड़ा अपने आप का ख्याल रखना पड़ता है ना। एक्चुअली सब मजाक कर रही हो, तो वीडियो में कुछ तो चाहिए था, फिर क्या। यहाँ पे मैंने व्हाइट हैंकी को ले लिया, व्हाइट हैंकी को ये न्यू फोल्ड कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके उसके बाद अपने फेस पे रैप करूँगी। और आप लोग का कहना था कि ये पोनी जरूर है ताकि ये इसके ऊपर आगे जो नॉट लगाते हैं उससे सही रहता है, तो चलो ठीक है इसको लगा लेते हैं। मे बी ब्लॉग थोड़ी लंबी हो जाए। और उसके बाद किचन वर्क करूंगी, वही आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ी बहुत इधर उधर की साफ सफाई। बालों यहाँ पे फंसने लगते, बाकी समय मैं बांध रही हूँ। थोड़ा सा हो गया है मेरा, बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो वर्क करना स्टार्ट करते हैं, वर्क करना किचन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ के साथ थोड़ा सा था, नीचे की जो आवाज़ आती है उसको हम लोग अवॉइड करना क्योंकि होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चिल्ला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं सुबह सुबह जो सोचा ब्रेकफास्ट में सबके लिए चिल्ला तैयार करूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉर्न थे जो को भिगो के रखे, और यहाँ शिमला मिर्च वगैरह हैं जिनमें काट कर लूँगी, और इसी को चाकू से चॉप करी थी, और उसमें प्याज ऐड करूँगी। पहले बच्चों के लिए प्लेन मतलब बना के साइड कर दूँगी, उसके बाद ये हस्बैंड में चिल्ली में फिर मिक्स करूँगी, बिकॉज बच्चे नहीं खाते, वो बार बार निकाल देते हैं, तो इनको बहुत पतला पतला चॉप करूँगी ताकि अगर एक दो चला भी जाए तो उनको पता ना चले। और उसके बाद काम करते करते वहाँ बच्चे नहा के आ चुके थे, तो उनको कपड़ा देना था, तो वो लोग बुलाने लगे, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कट करना स्टॉप किया था। उसके बाद मैं चली गई बच्चों को कपड़े पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस और सब ब्रेकफास्ट हो चुका था, तो अभी मैं दूसरे कमरे में काम करने में ही लगी हूँ। बीच में वो हस्बैंड बोलने लगते ना कि ये फेस क्यों बांध के क्या कर रही हो, तो इसलिए मैंने बीच वाली वीडियो फिर नहीं शूट करी थी, इसके बाद ही सीधा बना रही हूँ जब वो ऑफिस चले गए। तो यहाँ पे देखो सारे कपड़े चेयर पे ऐसे फैले पड़े थे, कुछ धुलने वाले हैं और कुछ वैसे हैं, तो जो धुलने वाले हैं उसको साइड करूँगी और ले जाके बाल्टी में भिगो दूँगी अभी, क्योंकि मशीन में सैटरडे या संडे लगाती हूँ, तो और रेगुलर जो एक दो कपड़े हैं जो ज़रूरत के हैं जैसे इनर हैं जो बच्चों के, उसको धुल के हटा देती हूँ, बाकी जो टी शर्ट वगैरह वो एक नहीं धुलेंगे। तो अभी इन लोगों के इनर वगैरह रह गया, धूप मौसम भी ठीक है, कल रात में ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी, पर मौसम फिर ठीक हो गया, तो कर लेते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग, फिर बोलती हूँ बीच में थोड़ी देर में आपसे। तो
फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वाला कमरा, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ आधे सामान भरे होते हैं, क्योंकि आपको पता है रेंट वाले कमरे में स्लैब वगैरह बनी हुई होती हैं। और उसके बाद ये जो गत्ते हैं, तो गत्ते ऐसे थे कि वो सामान वाली पैकिंग वाले गत्ते हैं, उसको हटाना है। कई दिनों से कबाड़ी वाले का वेट कर रही हूँ, आ ही नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा, तो कहाँ हो तो देखो, आज देखो अगर आ जाता तो कर देती हूँ। उसके बाद क्या दोनों कमरों में फिर झाड़ू लगाने लगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है थोड़े से, अभी बस लंच बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, बिकॉज हस्बैंड लंच में बोले हैं, हो सकता है वो आ जाएं। और उसके बाद और इसे फेस कवर को निकालूंगी, उसके बाद बाकी काम करूंगी। फेस कवर करके वर्क करना तो ठीक है, बट टाइट फेस कवर करके वर्क करना, ओ माय गॉड, सो हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड था एक्चुअली। थोड़ी मतलब डस्टिंग की वजह, डस्टिंग करते समय तो ठीक था कि चलो धूल नाक तक नहीं जा रही, बट सबसे ज़्यादा हार्ड था जो बहुत टाइट हो गया, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि मैंने टाइट किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। लेकिन होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और पता है छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे भी अपना बैठ के लेट गए यहाँ पे, कोई कहीं तो टीवी देख रहे हैं और इनका कार्टून चल ही रहा है, और यहाँ पे मैंने वर्क भी किया। तो आज का वर्क यहीं तक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी जो होगा नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज छोटे छोटे ही सही हैं, क्योंकि और क्या करूँ, तो बाकी और काम में लगूँगी। और देख रही हूँ कबाड़ी वाला आ जाए, तो मुझे कबाड़ी वाले का वेट कर रही हूँ कि मुझे गत्ते हटाने, काफ़ी दिन से वेट करते करते अभी तक नहीं गया। हो फ्रेंड्स की आज की ब्लॉग आप लोग को पसंद आई होगी, तो आपको पता है क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना प्लीज़ मत भूला करो, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में, लाइक कर देना और फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना, मुझे फुल सपोर्ट करना। चलो अभी देन करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट फेस कवर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।